अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं सिंपल फूड एंड टिप्स विद आमना। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्राउनी की रेसिपी जो हम बिस्किट से बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए हैं बिस्किट्स, मैंने ये 3 लिए हैं, हाफ रोल, राइट लिया है, आप इसकी जगह ओरियो भी ले सकते हैं। हाफ कप लेंगे मिल्क रूम टेम्परेचर पे और हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। बिस्किट की क्रीम को अलग-अलग कर लेंगे। और अब इन बिस्किट्स को हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में, इनको थोड़ा छोटा छोटा काट के या तोड़ के डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, और सारा दूध हमने इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको अच्छे से हमने मिक्स किया है और ये फाइन पेस्ट इसका तैयार है। बटर पेपर लगाएंगे और उसको भी ग्रीस कर लेंगे और अब इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये मेरा कैमरा थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अब आपको जो वीडियो है वो ज़रा दूसरे मोड में नज़र आ रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा चेंज हो गया है। टैप कर लेंगे ताकि सारे बबल्स निकल जाएं। और ओवन को मैंने प्री हीट किया है तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स के लिए 170 टू 180 डिग्री पे। और अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के दर के लिए। आप इसको दरमियान में चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये 25 मिनट के बाद बहुत अच्छे से ये बेक हो गया। इसको मैंने टूथपिक से चेक भी किया था। ठंडा होने पे हम इसको निकाल लेंगे।
अब इसको मैं स्लाइसेस में काट लूँगी। ये देखिए ये ब्राउनी हमारी तैयार है और अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस कह सकते हैं आप इसे। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की रेसिपी जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, ब्राउनी जो हम आम तौर पे घर में अवेलेबल बिस्किट से बना सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।